के जनाब मोहम्मद अब्बास साहब मोहम्मदान इब्ने सैयद सैयद साहब मरहूम जिनका नूरेजर फजल नेजमन जिसको असद अब्बास कहते हैं आजकल एमसी अब्बास के नाम से जाना जाता है। ये नौजवान को तकरीबन 25 इनामत मिल चुके हैं। हाल ही की बात है इन्होंने अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ बैचलर जर्नलिज्म मास्टर मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन भी किया है जिसमें कुछ मिनिस्टर्स और कुछ आईएएस ऑफिसर्स बिजनेसमैन भी मौजूद थे। यंग इंडिया कॉन्क्लेव की जानिब से जो है यंग अचीवर अवार्ड से असद अब्बास को नवाजा गया है। ये मैं ये कहना मुनासिब समझता हूँ कि ये अवार्ड जो है पहला अवार्ड है शिया तमाम हिंदुस्तान के शिया नौजवानों के लिए। ये पहला अवार्ड है। कुछ अवार्ड को मैं आपके सामने बता दूं कि इंडिया नंबर वन पॉपुलर आंकर अवार्ड जो रतन जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन के हाथों मिला गया है। रोटरी इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड जो अजीम ग्रंथी विप्रो के चेयरमैन के हाथों दिया गया है। आईपीएल टीवी एंकर न्यूज साइंस सेलिब्रिटी लाइव शो और 10 साल से इन्होंने 25 अवार्ड दिए हैं और 25 अवार्ड को मिलाने के बाद वक्त की गुजारिश नहीं है। मैं माजरत के साथ और गुजारिश करता हूँ इस बच्चे असद अब्बास से इनसे अब्बास से यहाँ पर तस्वीर है। हमारे पास तो कुछ है ही देने के लिए सिवाय दुआओं के और एक छोटी सी शाम के। इसको अपने तरफ से जाफिया की तरफ से आप एक बहुत बड़ा इनाम के तौर पर कबूल करेंगे तो मेहरबानी होगी इस बच्चे की और बच्चे की सलामती के लिए पावन बरंदर सलमा and the merciful. Before I start, I'd like to read out that this award was presented to me on Tera Rajab, on my idol, my hero, Imam Ali's birth anniversary. And today here at Alipur, amongst all of you, I've been honored and felicitated for the same. Zikr-e Ali se dilon ko surur milta hai. Nikah-e shukr ko taza shuur milta hai. नसीब कैसा भी हो या अली मदद कहकर खुदा से कुछ भी मांगो जरूर मिलता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अलीपुर से मुझे बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट बहुत बहुत ज्यादा प्यार मिला है। हमारे दादा यहाँ से हमारे वालिद और मैं भी खुद को अलीपुर वाला मानता हूँ क्योंकि अलीपुर के नाम में भी अली है। एक बार मैं जब नजफ में था नजफ के बाद कर जो मैंने नारा लगाया था नारे हैदरी काफी लोग मान के जो इराक की हैं वो जानते नहीं थे लेकिन सब मिलकर या अली का मेरे साथ उसे मुझे पता चला कि मौला के नाम से कुछ भी हो सकता है क्योंकि लहरों से डरकर नाव का पार नहीं होती। लहरों से डरकर नाव का पार नहीं होती अली वालों की कभी हार नहीं होती। मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एकेडमीज बने। मैं खुद आके यहाँ पे कोच करना चाहता हूँ कि हमारे साथ बहुत अच्छे स्पीकर्स बने बहुत अच्छे ओरेटर्स बने और मेरी गुजारिश है कि सब जो माशाल्लाह नौजवान डॉक्टर्स हैं हर बैच के साथ 3 डॉक्टर 4 डॉक्टर 10-15 इंजीनियर्स जो अलीपुर से हैं वो आके कोच करें और इंशाल्लाह लेट्स हैव द बेस्ट प्रोफेशंस द बेस्ट साइंटिस्ट बेस्ट डॉक्टर्स the best engineers and the best IAS officers, best speakers from our community. And inshallah, let's all be together like one big nation. Aap sab ke liye, sab Alipur walon ke liye main ye kehna chahunga ke aapke bare mein kehna kahan se shuru karun, ada se karun ya wafa se karun. Aap sab ka dil bahut khoobsurat hai Alipur walon, pata nahi aapki tareef zubaan se karun ya dua se karun. और उसके साथ ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह वी हैव सम ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट बिजनेस मेंटर। लेट्स ऑल बी यूनाइटेड बिकॉज़ द वर्ल्ड आउटसाइड कोई एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है अगर 1,000-20,000 पॉपुलेशन एक साथ जुट जाए तो इट इज माय चैलेंज दुनिया की कोई न्यूक्लियर पावर अलीपुर को हिला नहीं सकती। कभी दीवार हिलती है
कभी जमीन हिलती है, कभी दीवार हिलती है, कभी जमीन हिलती है, अली के नाम से आज भी दरे खैबर कांपता है। उसके साथ बहुत सारे मेरे इंटरव्यूज आते हैं पेपर्स में, न्यूज में, मीडिया में, सब मुझे पूछते हैं व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तुम्हारी सीक्रेट क्या है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं वहां पे, लेट मी फर्स्ट शेयर माई सीक्रेट विद यू। एवरी टाइम, हर एक बार मैं माइक लेने से पहले या अली मदद कहता हूं पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से। मैं गुजारिश करता हूं कि सब नौजवान है, सब जो बच्चे, सब एनी प्रॉब्लम, एनी चैलेंज, एनीथिंग इन लाइफ, से या अली मदद एंड सी द मैजिक। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे फील्ड में, पूरे इंडिया में, गैर कौम में, क्रिश्चियंस में, हिंदूज में, सिख में जबरदस्त स्पीकर्स हैं, मेरे से ज्यादा नॉलेज है, मेरे से ज्यादा अच्छा बात करते हैं, लेकिन अगर मैं उनसे भी जीत पाया हूं तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मेरा मौला या अली मदद। वो कहते हैं ना कि फिक्र में जब मेरे सर से टली, पूरे दिल के साथ मैंने कहा या अली या अली या अली। आखिरकार मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं रतन टाटा साहब से मिला था, अजीम प्रेमजी साहब से मिला था और दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों के साथ मिला था, एक चीज मैंने नोटिस की, वो जितने भी बड़े ओहदे में पहुंच जाए हमेशा झुक के चलते हैं, हमेशा लोटस की तरह सॉफ्ट रहते हैं। जो भी हमारे पास है, जो भी मेरे पास है या नहीं है, सब ऊपर वाले करने मिलते हैं। आज है तो नहीं भी हो सकता है, जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अगर ना मुर्दे की पहचान होती है। थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा हमारे अली कुर्बानों के साथ हूं, हमेशा। मैं जानता हूं कि काफी लोग काफी कुछ कहते हैं, बट जेलेसी बहुत है। Let's avoid that. Let's be united. Let's be together. We have some fantastic leaders, politicians, businessmen. Let's get inspired by them and take the road ahead. Inshallah, dua kijiye. काफी सारे offers आ रहे हैं मुझे to become the political media speaks person for a couple of parties. Inshallah, अगर आपका साथ रहा तो I will definitely enter politics with the best of duas of everybody. With that, Nare Henry. Subah ke saath dil bola. Thank you very much, Ya Ali Madad. Shukriya, Jamshir Abbas, Asad Abbas Sahab.